हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं काजल कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाए हैं दही देकर कतले माछ। तो देख सकते हैं कतले माछ कितने अच्छे बन चुका है। अगर आपको भी इस तरह से बनाना है तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए किस तरह से बनाते हैं कतले माछ को। बहुत ही टेस्टी बनता है, देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। तो चलिए हम देख ले रहे हैं किस तरह से हम बनाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कतला माछ ले लिया, उसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। 4 से 5 कतले माछ है पीस। इसमें हल्दी डाल दिए हैं और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको फ्राई करना है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देख सकते हैं इसे हम अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो चल रहा है अब हम कढ़ाई की तरफ। तो देख सकते हैं कढ़ाई को चढ़ा लिए, गर्म हो गया है। तेल उसमें डाल दिए हैं, सरसों तेल। अब इसे हम डालकर फ्राई कर लेंगे। लाल होने तक फ्राई होने देंगे। इसे लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। तब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। एक तरफ लाल हो चुका है। अब इस तरह से भी हम लाल ही जाने देंगे। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सारे फ्राई कर लिया है। अब इसी तेल में हम गरम मसाला डाल देंगे खड़ा, दालचीनी, 2 इलायची और 1 लौंग, और इसमें हम जीरा भी डाल देंगे। अब इसे हम चटक जाने देंगे। तो ये चटक चुका है। अब इसमें हम पीसे हुए प्याज को डाल देंगे। एक बड़े प्याज मैंने पीस के रखा हुआ था, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा लाल होने तक। 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इसे हम। 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है प्याज को। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे भी हम इसके साथ फ्राई करेंगे 1 मिनट। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से जल्दी हो जाता है फ्राई प्याज। इसमें तो कल से फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। तो देखा तो 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया इसे। अब इसमें हम सब गुड़ा मसाला सब डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, तीखी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून है और इधर काश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून है। अब इसे मिलाएंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। और इसे हम 2 मिनट तक और अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जैसे कि 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है मसाले को। अब इसमें हम दही को ऐड कर देंगे। अब ये रूम टेम्परेचर की दही है, इसमें हम डाल दिए हैं दही। अब इसे हम रेगुलर चलाते रहेंगे और गैस को कर दिए हैं कम ताकि दही फटे ना। इसको रेगुलर चलाते रहिएगा, रेगुलर नहीं चलाने से दही फट जाएगा। इसे इस तरीके से हम रेगुलर चलाते रहेंगे।
देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहिएगा, मसाला इस तरह से फ्राई हुआ नहीं है। अभी से हम और फ्राई करेंगे, मसाला को जितना फ्राई कीजिएगा उतना अच्छा बनेगा सब्ज़ी आपका। इसे हम और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है मछली खाने में दही देकर कतले मांस। दे सकते हैं 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे तो मसाला बन के रेडी हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरीके से और फ्राई करते रहेंगे। देख सकते हैं मसाला फ्राई हो गया है। इसे 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे, थोड़ा ठीक हो चुका है, थोड़ा आप ठीक करेंगे। तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, मसाला पूरा सूख गया है। अब इसमें हम पानी को डाल देंगे। आप अपने अनुसार पानी डालिएगा, आपको जितना ग्रेवी लगेगा आप उतना ही पानी डालिएगा। ये थोड़ा ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लिए हैं और इसमें उबाल आएगा, अच्छे तरीके से उबाल आने देंगे। तो देख सकते हो उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। इसे हम पूरी अच्छी तरीके से उबलने देंगे, उसके बाद इसमें हम मछली को डालकर ऐड कर देंगे। मछली को डाल देंगे इसमें हम, देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्रेवी फूटने लगा है, उबलने लगा है अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरीके से उबल चुका है, अब इसमें हम फ्राई की हुई मछली को डाल देंगे। अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही डालकर उबलने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरीके से मछली में डूब जाए। तो देख सकते हैं मछली बनके रेडी हो चुका है मेरा। अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो हम आप सबको एक बॉल में सब करके दिखाएंगे कि किस तरह से बना है मछली। मैंने सब कर लिया मछली को, कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको भी इस तरह से जरूर खाना है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा से पूरा, किस तरह से हम बनाते हैं मछली को। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी बनाएं वीडियो आपके पास पहुँच जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको दही कतला मछली। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।